स्वतन, कल जो प्रेजेंटेशन है ना, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो क्लाइंट के साथ कल मीटिंग करनी है, उसमें हमें ध्यान रखना होगा कि हम सब लोग चीज। सर, मेरा छोटा भाई अवनीश। हाय अवनीश सिंह, BLLB सेकंड ईयर, गोइंग टू बी अ लॉयर वेरी सून। आपको जरूरत हो तो बताना। गुड गुड, ओके स्वतन, सी यू टुमारो इन ऑफिस। मेरा बैग सर मेरे ख्याल से ऊपर छूट गया होगा, मैं लेके आता हूँ। नाइस सूट। थैंक यू। अब अवनीश, यही बताया था ना? हाँ। वैसे क्या बात करता तुम्हारा भाई नए ऑफिस के बारे में? भैया तो हमेशा ऑफिस की तारीफ ही करते हैं, लाइक वॉकिंग स्पेस बहुत अच्छा है, इंटर्न्स अच्छे हैं, लड़के बता दोस्त लड़कियां लड़के सारे अच्छे हैं, और यहाँ से उनको काफी कंफर्टेबल भी पड़ता है। बस किसी बहन के टके खुराना की बुराई करते हैं। अच्छा, क्या कहता है? मेरा भाई ना काफी हार्ड वर्किंग है, ये साला खुराना है ना, उससे काम भी करवाता है और अपने नाम पे ना पूरे क्रेडिट्स भी लेके खा जाता है। अच्छा अच्छा। और तो और ना शादीशुदा है पर इतना बड़ा ठरकी है ना कि जितनी फीमेल इंटर्न है ना सब पे लाइन मारता है। मैं बताऊँ आप लोगों को क्या करना चाहिए, अपने ऑफिस में मिलके एक संगठन बनाओ और मिलके ना उसके खिलाफ एक आंदोलन छेड़ दो कि खुराना गो बैक, खुराना गो बैक, खुराना गो बैक। क्या बातें चल रही है खुराना साहब, आपका बैक। सर प्रमोशन पक्की समझो? हाँ हाँ, प्रमोशन बिल्कुल पक्की समझो। आए तो था मैं तुम्हारी प्रमोशन के लिए, पर अब तुम्हारा इंसेंटिव और सैलरी दोनों गए तेल लेने। और तुम क्या कह रहे थे, तुम नौकरी करते हो सुबह 8 से 5 बजे तक, अब तुम नौकरी करोगे सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक, और उसके बाद मेरे घर पे आके मेरे पैर दबाएगा, समझा? सर मैंने किया क्या सर? इस कमीने अवनीश के बच्चे ने कुछ किया होगा। अवनीश। हेलो भैया, कहाँ पर हो आप अभी? यार ऑफिस में फंसा हुआ हूँ। भैया आपको ऑफिस से आने में कितना टाइम लग जाएगा, मतलब? शाम के 6 बज जाएंगे यार। और भैया पापा भी तो बाहर गए होंगे, वो रात को कब तक आ जाएंगे घर पे? पापा अपने दोस्तों के साथ बैठ के चिल कर रहे होंगे। सीन क्या है, इतना पूछ क्यों रहा है तू? अरे भैया वो क्या सीन है ना कि मम्मी भी नानी के यहाँ गई हुई है, घर भी खाली खाली पड़ा हुआ है, तो मैं सोच रहा था कि थोड़े दोस्तों जिद कर रहे थे बहुत टाइम से एक हाउस पार्टी के लिए, तो सोचा एक हाउस पार्टी रख देता हूँ। ओहो लौंडा पार्टी शार्टी कर रहा है, 18+ के फुल मजे ले रहा है तू। चल कोई नहीं, तू टेंशन मत ले, मैं ऑफिस से फ्री होते पापा को मूवी के लिए लेके चला जाऊँगा, ठीक है? तू मस्त अपनी पार्टी इंजॉय कर, लेकिन मेरी एक शर्त है, थोड़ी दारू मेरे लिए बचा के रखियो, दोनों भाई मस्त छत पे बैठ के पैक लगाएंगे दो। हाँ पक्का, आपके लिए दारू बचा के रखूँगा, बस आप सब कुछ संभाल लेना। चल बाय, लव यू। आज की पार्टी। पार्टी कैसी लग रही है? अबे और लोग आए होंगे ज्वाइन करने, मेरा भाई होगा, नाचते रहो। गेट दैट वे। पापा आप जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। नहीं नहीं पापा, बोतल मेरी है। हेलो भाई साहब, ये 3 नंबर गोटी यही है क्या? यहाँ दारू पार्टी चल रही है। पागल है क्या, निकल यहाँ से। ऐसा कुछ नहीं बोला। अरे बेटा हाथ में दारू की बोतल, और मम्मी भी नानी के घर गई हुई है, मॉल भी तूने सही सेट करके रखा हुआ है। लेकिन एक बात का मुझे तेरे से नाराजगी है यार, एक टाइम के बाद बाप भी दोस्त जैसा होता। अरे मुझे बताना तो चाहिए था यार। पापा यार देखो, आप ना थोड़ा सा गलत समझ रहे हो, मतलब थोड़ा बहुत पार्टी उटी का सीन हो गया, पर ये ना शराब मेरी नहीं है, ये इनकी है। अच्छा, स्वतंत्र बेटा। अरे बेटा ये भी मेरी नहीं है, इसकी है। पापा, अरे सुनती हो? अरे
क्या खिला पिला रही हो इन दोनों को आजकल? अरे दोनों जाने सुबह सुबह रेडी होकर के निकल लिए, एक दफ्तर के लिए निकल लिया, एक कॉलेज के लिए निकल गया। अरे थोड़ी नजर रखो इन दोनों पर, और ये छोटे वाले पे खास तौर पे, इसके बड़े किस्से सुनने को आ रहे हैं आजकल, मैं बता रहा हूँ। भैया टिकट दे। तू यहाँ क्या कर रहा है? तू तो कॉलेज के बहाने निकला था। बड़ा मैं हूँ, मैं सवाल पूछूंगा, समझा? यहाँ क्या कर रहा है तू? वो मेरे कॉलेज में असाइनमेंट मिला था कि मिशन मंगल के ऊपर नोट्स बनाने, तो वो अपने कॉलेज ग्रुप के साथ आया था मूवी देखने। ग्रुप तो दिख नहीं रहा तेरा। अरे मेरा ग्रुप होगा ये। बेबी टिकट मिली क्या? अच्छा ये है ग्रुप तेरा। इसके घर का नाम ग्रुप है भैया। कौन है ये? ये ना मेरी बहन जैसी गर्लफ्रेंड है। बहन जैसी गर्लफ्रेंड? ये बहन जैसी गर्लफ्रेंड क्या होता है भैया? वो कॉलेज में आया ना भैया, नया कॉलेज में वर्ड। आप मूवी देखो भैया, हम चलते हैं। क्या हुआ जान, चले अंदर। अच्छा बेटे यहाँ मेरी क्लास ले रहा है तू मेरी बंदी के सामने, और यहाँ नौकरी के बहाने छोकरी को घुमा रहा है तू। साले ऐसे तो नहीं चलेगा, पता तो बाप को तू क्या कर रहा है। अच्छा कर बेटा, पापा को फोन कर और बता कि तू यहाँ कॉलेज के बहाने क्या करना था। बता कर फोन कर। वो मेरे फोन में ना बैलेंस खत्म हो गया है, और मेरे को आसपास कुछ दिखाई नहीं दे रहा है जिसके फोन से फोन कर लूं, नहीं तो बताता तेरे को। अच्छा सुन, पापा से मत बताइए। एंजॉय। और मेरा भाई क्या कर रहे हैं अकेले अकेले खड़े होके? अरे कुछ नहीं भैया, वो ना अगले हफ्ते ना दोस्तों के साथ थूक का कंपटीशन है, तो उसी की प्रैक्टिस कर रहा था। आजकल बाहर नहीं जाता तू खेलने वेलने कहीं? भैया एक बात बताओ यार, ऐसा मौसम निकल रखा है, धूप ही धूप हो रखी है, ऐसे मौसम में कौन बाहर जाएगा? जा आइसक्रीम खा के यार, जा बाहर कहीं आइसक्रीम खा के। मेरे को ना पॉकेट मनी नहीं मिल रही दो हफ्ते से, ठीक है? मेरे जेब में एक रुपए नहीं पड़ा कि मैं जाऊँ और खा के आऊँ। पागल, तेरा भाई जिंदा है यार, मुझसे ले पैसे तू, ये ले जा आइसक्रीम खा के जा। थैंक यू भैया, दुनिया का आठवां अजूबा भी देख लिया मैंने। कहाँ है अवनीश, क्या बात, आज आइसक्रीम खिला रहे? पापा बटुआ घर पे भूल गए का? नहीं बे, आज पता नहीं भैया कौन से अच्छे मूड में थे, 100 रुपए की पत्नी थमा दिए, कहे जाओ जाके मौज करो। क्या बात कर रहे हो, तुम्हारा भाई तो इतना बड़ा नीच है बे कि अंधे के कटोरे से चवन्नी निकाल ले। सड़क पे पड़े थूक को हम उसे रुपया समझ के उठाते देखे हैं, साला उसने पैसे कैसे दे दिए ना, गड़बड़ है। जो भी हो यार छोड़ो, आइसक्रीम है यार, एंजॉय करते हैं, मौसम का मजा लेते हैं। भाई हम पक्का कह रहे हैं गड़बड़ है, तुम चल के एक बार देख लो। अबे यार तुम बेमतलब में डिटेक्टिव मुकेश बख्शी क्यों बन रहे हो यार, आइसक्रीम खाओ मजे लो। चलने में एक बार दिक्कत है कुछ? मतलब कभी एंजॉय मत करने देना हमको, तुम हर समय तुम्हारी खाज उठी रहती है। चलो चलते हैं, चलो here we go। भाई तू तो आइसक्रीम खाने बाहर गया था, इतनी जल्दी कैसे आ गया? तो आइसक्रीम खाने रेडी तक गया था, यही कोने पे, कौन सा इंग्लैंड गया था मैं? स्वतन ये कौन है? अच्छा बेटे तो ये चल रहा है, मेरे को ऐसे मौसम में बाहर भेज के यहाँ पे तू मौसम बना रहा है? ये मेरा छोटा भाई अवनीश। अच्छा देवर जी। भाभी अगर एक बार और आप ऐसे देवर जी बोल दो ना तो मजा आ जाएगा। देवर जी अगर इतने प्यार से आप एक बार पापा को ना ससुर जी बोल दो तो चांद चांद लग जाएंगे। हाँ कह दूंगी। ए बंटी सुना, आगरी कर रही है, फोन मिला पापा जी को। तू कौन होता फैमिली मैटर के बीच में बोलने वाला, कट फोन। अरे नहीं भैया यार ऐसे कैसे, बताना तो पड़ेगा। अवनीश तू तो छोटा भाई है मेरा यार, प्लीज प्लीज भाई प्लीज मान जा यार। पैसे दोगे तभी मानूंगा। हाँ देता हूँ ना भाई तुझे, कमीशन देता हूँ। गिले भैया जी, इतने बड़े हीरे की इंफॉर्मेशन सुपाने के लिए बसों की पत्ती, इसमें क्या आएगा टट्टी? मारा सेनापति पे हाथ उठाया। सेनापति हमारी माँ के पति को जरा फोन मिलाना और कहना कि घर में एक नया बाप पैदा हो गया है। बेबी ये सब कुछ क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? यार तुम जाओ उधर, मेकअप लगा के टिकटॉक वीडियो बनाओ तुम। अच्छा ठीक है सुन, तू पूरा पर्स रख ले,
और जा पहले फुर्सत में निकल, और सुन बताइयो मत अब किसी को, समझा? ठीक है, चल बे चलते हैं बंटी। भाभी भी तो आई है भैया। यार भाभी भी घर पे पहली बार आई है तो मुंह दिखाई तो बनती है ना। अरे नहीं नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं मैं देने की बात नहीं कर रहा, मैं लेने की बात कर रहा हूँ। बंटी भाभी का पर्स भी भारी हो गया होगा, जाके थोड़ा हल्का कर दे। लेकिन इसके पर्स से क्यों? पापा को फोन मिला बंटी। मजाक कर रहा था भाई मेरे, मजाक कर रहा था मैं। हम नहीं कर रहे थे जा बंटी। भैया भारी है, चमड़े का भी है। हम आइसक्रीम खाएंगे नहीं, सबको खिलाएंगे। भैया आप मौसम बनाओ, हम भी मौसम बनाने चलते हैं। अगली बार बिना नहाए मेरे कपड़े मत पहन लियो। इस बार छोड़ दिया, अगली बार जान से मार दूंगा तुझे, समझा? साला जब से नानी गया मम्मी गई है उस दिन से कुत्ते की तरह मारता रहता है। साला गाय तोड़ने हर दिन गुरुजी का प्रसाद देता रहता है। आए अविनेश, कुछ नहीं बे मंटी, अभी अभी भाई मार के गया है तो भाई। अच्छा आगे का प्लान? आगे तो कुछ नहीं, घर पे पोछा भी लगा लिया, डस्टिंग भी कर लिया, कपड़ा भी धो दिया, तो फ्री है। टाइम पता है तुम्हें, कन्या पाठशाला का छुट्टी हो गया है, चले लौंडियाबाजी करने। क्या बात कर रहे हो, अभी तो थोड़ा हुलिया बिगाड़ दिया हमारा भाई। एक काम करते बाल सेट करके ना गॉगल लेके आते फिर चलते, ठीक है? यार बंटी एक बात पूछे। हाँ? तुमको नहीं लगता यार मेरी किस्मत बड़ी खराब है? हाँ सच्ची बे, राहु और केतु तुम्हारे मिलके मारते हैं, और उससे कहीं ज्यादा तुम्हारा भाई। तुम हमारे भाई को तो नाम मत लिया करो। पता है कभी कभी हम क्या मनाते हैं, यार भगवान करे ना 5-6 लौंडे साथ मिलके हमारे भाई को दौड़ा दे, और हमारे भाई ना कुत्ते की तरह भागता रहे। उसके बाद पता क्या हो, हमारा भाई अचानक से गिर जाए, और जैसे ही हमारा भाई गिर गया ना 5-6 लौंडे अपना डंडा डंडा लेके हमारे भाई को घेर ले, और उसके बाद ना बस हमको थोड़ा सा पॉपकॉर्न और नजारा मिल जाए उसको पिटते हुए देखने का, मजा आ जाएगा। लगता है भगवान तुम्हारी बगल से निकल के गए। काय बे वो सामने देखो। अरे साला चल बचाते हैं। ए, 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 ए। अगर साले मदद भी करने गए ना तो काट के दफन कर देंगे यहीं पे। साला घर पे रोज हमको पीटता है, कभी आते हो हमको बचाने? बचाने चलते हैं। ए! कौन है बे? मोहल्ले में नया गुंडा है क्या? मेरे मोहल्ले में मेरे भाई को मेरे सामने मार रहा है। आ गया मेरा शेर, अभी के की छुट्टी करके रख देगा ये। हाँ हाँ हाँ, एक एक को चुन चुन के मारूंगा, पर मेरे से पहले पता है तुम लोगों पे कौन हाथ उठाएगा? बंटी। भाई लेकिन मैं। ए चुप, मैंने बोला मारेगा मतलब बंटी मारेगा। तैयार है बंटी? रेडी रेडी मारो। अरे ए पकड़ो इसको। नहीं पता था बंटी इतना तेज भागता है। भाई तू सिर्फ देखता रहेगा, इस पे हाथ भी उठाएगा। ए हद के छोटे रिचार्ज, तू बहुत ज्यादा बोल रहा है बे। ए छोटा भाई है मेरा, वो हाथ कैसे लगाया बे तूने उसे? उसको मारने का हक सिर्फ मेरा है, और तू सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज नहीं तुझमें। मार साले को। हाँ तो क्या बोल रहा था तू? मम्मी से क्या बोलेगा? कुछ नहीं बोलूंगा भैया, मैं क्या बोलूंगा मम्मी से? पर भैया जो आपने आज घर से निकलते वक्त मारा था ना, अब तक दर्द कर रहा है। आ, मेरा जान नहीं, मेरा भाई है तू। आज तू जो बोलेगा ना वो खिलाऊंगा तुझे, चल भैया मोमो खिला दे। अरे पक्का एक्स्ट्रा मेयोनीज। मेरा भाई तू मेरी जान है, मेरा भाई तू।